निफ्टी के तेवर में नरमी के संकेत जिसका जिक्र हम कर रहे थे, अब ये तेवर में नरमी क्या लैक ऑफ ऑप्शंस की वजह से है, क्योंकि उनकी टेबल में बहुत कुछ बचा नहीं है। जेलेंस्की नाटो की सदस्यता पर ज्यादा जोर नहीं। आप राजेश पवार, मुझे परसों का स्टेटमेंट याद आता जिसमें वो कह रहे थे कि मैं डरा नहीं हूं, छिप नहीं रहा हूं, मैं ऑफिस में हूं, ये एड्रेस है, मैं लड़ूंगा। और अब जो ये नरमी है, क्या उनके पास उनकी प्लेट में ऑप्शंस अब ज्यादा नहीं बचे जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, नो फ्लाई जोन या नेटो का इन्वॉल्वमेंट, और उसी की वजह से ये संकेत? देखिए शुभांकर, मैं कंप्लीट कर लूं। एक कारण ये नो फ्लाई जोन का है, दूसरा लगातार यूक्रेन जहाज मांग रहा है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट मांग रहा है नेटो से, और कई दिन से ये चीज अटकी पड़ी है कि पोलैंड यूक्रेन को MiG-29 देगा नहीं देगा। फाइनली उसके ऊपर भी उन्होंने मना कर दिया है कि वो शायद यूक्रेन को नहीं मिलेंगे। तो ये दो बड़े कारण हैं जिससे जेलेंस्की को ये समझ में आ गया है कि वो उनको कुछ खास मदद बाहर से मिलने वाली नहीं है। और जिस तरह से रूसी फौज आगे बढ़ रही है पूर्व में और दक्षिण में और कीव के किनारे पे, उन्हें लगता है कि उन्हें बचाने के लिए अभी कोई नहीं आएगा और वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। और यही कारण है कि उन्होंने ये इंडिकेशंस दिए हैं, ना सिर्फ इस बात के ऊपर कि वो नेटो का मेंबर नहीं बनने के लिए तैयार हैं, बल्कि इस बात के ऊपर भी शायद वो क्रीमिया और दोनबास को रूस का एक हिस्सा मानने के लिए तैयार हो जाएं, और यही कल तुर्की में एजेंडे पे होगा शुभांकर। और ये बहुत बड़ी बात है गौरव सावंत, ये दोनबास और क्रीमिया को हिस्सा मानना, इस पर समझौता करना, इसके फैक्टर क्या है? और एक सवाल और मेरा आपसे है कि अब जो ये युद्ध है ये कितने डायमेंशन में लड़ा जा रहा है, जरा ये भी समझाइए कि आप फर्स्ट डे से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। के लिए कि पोलैंड ने लड़ाकू विमान देने की बात तो की कि MiG-29 वो देंगे, लेकिन वो उन्होंने क्या कहा कि ये MiG-29 हम रामस्टीन एयरफील्ड जर्मनी में खड़ा कर देंगे। और अमेरिका ने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये अनटेनेबल है, इसको पार्टनर्स के साथ और सोचने की जरूरत है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि वो केवल जुबानी सपोर्ट दे रहे हैं, लिप सिंपथी दे रहे हैं, उससे ज्यादा कोई ऑफेंसिव वेपन्स देने को तैयार नहीं है। जैवलिन मिसाइलें देने का या स्टिंगर देने का ये आप कुछ बचाव अपना कर सकते है, लेकिन रूस जैसी महाशक्ति से केवल इन हथियारों और हौसलों के जरिए आप कितना लंबा लड़ लेंगे, वो भी तब जब रूस की सेना अब कीव के मुहाने पर खड़ी है, कीव की दहलीज पर इस समय रूस की सेना आ गई है। पहली बात। दूसरी बात, बातचीत के जरिए क्या कहना चाहते हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की? अब वो कह रहे हैं कि मैं कूल डाउन हो गया हूं डॉनबास के मुद्दे पर या क्रीमिया के मुद्दे पर, अगर उस पर वो नहीं मानेंगे उसको अपने देश का हिस्सा, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए एक तरह से ये कहना है कि वो क्लाइम डाउन कर रहे हैं, उन्होंने पहले जो अपना कड़ा रुख अख्तियार किया था उससे वो बहुत ज्यादा झुक रहे हैं। लेकिन क्या ये बहुत देर हो चुकी है इस तरह झुकने के लिए? क्योंकि रूस की सेना, जैसा राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उनका लक्ष्य है सत्ता परिवर्तन और उनका लक्ष्य है डीमिलिटराइज करना इस देश को, तो वो ऐसा कोई युद्ध आधे में अगर वो छोड़ देंगे और यहां सत्ता परिवर्तन नहीं होगा या इसको डीमिलिटराइज या डीनाजिफाई नहीं किया जाएगा जैसा उनके शब्दों में, तो क्या ये खतरा आज नहीं तो 5 साल बाद फिर खड़ा हो सकता है? और क्या वो मानेंगे जिस तरह उनकी सेना आगे बढ़ रही है? जो एनालिस्ट है, मिलिट्री एनालिस्ट, वो कह रहे हैं कि पुतिन अब एक डिसाइसिव पोजीशन में आकर तख्ता पलट करेंगे, अपने लोगों को यहां लाएंगे ताकि ये क्षेत्र और नेटो वाला खतरा आने वाले समय में उनके लिए ना हो। क्योंकि देखिए उनकी तरफ से बड़े कड़े शब्द कहे जा रहे हैं अमेरिका के लिए भी, जैसा शुभांकर आपने खुद कहा कि रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि यहां का ऑयल रोक देना एक तरह से इकोनॉमिक परमाणु युद्ध की तरह है रूस पर। दूसरी बात, बड़े बड़े वेस्टर्न कंपनीज रूस से अपनी दुकानें बंद करके जा रही हैं। तीसरी बात, यूरोप ने कह दिया है कि वो अब और तेल और ईंधन को और गैस को नहीं रोकेंगे क्योंकि इससे उनके देशों पर बुरा असर पड़ेगा। तो ये एक दुधारी तलवार है, दुनिया के अलग अलग देश थोड़ा सा बैकपेडलिंग कर भी रहे हैं इस मुद्दे पर, और रूस अब असल मायने में जब कीव के मुहाने पर खड़ा है, जब एक तरह से ये देश हार की कगार पर है, देखना ये होगा कि नेगोशिएशन से क्या निकलता है। एक इंडिकेशन ये भी है कि आखिरी बार रूस ने कहा है कि अब साइलेंस रहेगा आज, यानी 9 तारीख को बमबारी नहीं होगी ताकि लोग सुरक्षित निकल सके, उसके बाद क्या रुख होगा रूस का ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा शुभांकर। नहीं तो ये बहुत बड़ा संकेत आपने दे दिया। राजेश पवार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, ये जो गौरव संकेत दे रहे हैं ये तो बहुत खतरनाक भी है कि अगर बातचीत से चीजें हल ना निकली तो
तो क्या कोई रूस का भयावह रूप जो है वो देखने को मिल सकता है? इधर हम दिखा भी रहे हैं 24 घंटे में कहां कहां अटैक हुआ है। विनिसिया देखिए, विनिसिया में एयर स्ट्राइक किया गया है। ये जगह बहुत अहमियत रखती है क्योंकि वेस्टर्न यूक्रेन है। जैतोमीर हम दिखा रहे हैं आपको, यहां पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। तबाही की तस्वीरें जो है वो भी लगातार दिखा रहे हैं। कीव, जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि राजधानी गिरने का मतलब वो देश का गिर जाना, हालांकि अब तक वहां नुकसान नहीं पहुंचाया गया। खार्किव में एयर स्ट्राइक जो है वो लगातार जारी है। ये मैप लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हमले को लेकर। लेकिन राजेश, मैं आपके पास आऊंगा, जो संकेत गौरव ने दिए, अगर इन संकेतों को पढ़ा जाए तो क्या किसी बड़े हमले, धमाके या बुरी खबर से पहले की ये शांति अगर कूटनीतिक लिहाज से ये नहीं हल हो जाता है? और एक और एडिशनल सवाल, क्या कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहां पर जेलेंस्की इस बात को तैयार हो जाए कि अपने संविधान में, जिस बात का जिक्र रूस कर रहा है कि वो मेंशन करे कि नहीं भविष्य में भी नाटो में शामिल नहीं होंगे, जिस खतरे का जिक्र गौरव कह रहे थे कि 5 साल बाद फिर ये स्थिति ना आए? देखिए शुभांकर, जो रूसी ग्राउंड फोर्सेस हैं, जो रूस की आर्मी है, वो लगातार अभी भी पूर्व और दक्षिण में आगे बढ़ रही है। अभी भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो उनकी ग्राउंड फोर्सेस लगातार आगे बढ़ रही हैं और उन्हें वहां ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। अभी यूक्रेन फौज ने अपने आप को कंसोलिडेट किया है कीव के आसपास, यहां बड़ी लड़ाई के लिए। और ये यूक्रेन फौज का मानना है और मैं भी ये मानता हूं कि अगर डिप्लोमेसी फेल हो गई, अगर जो कल बातचीत होनी है तुर्की में ये फेल हो जाती है तो कीव के ऊपर बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन यूक्रेन और रूस दोनों ये बहुत कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि दोनों में से कोई भी देश ये नहीं चाहता कि कीव को कोई भारी क्षति पहुंचाई जाए। जहां तक आपका दूसरा सवाल था, कैन यू प्लीज रिपीट द सेकंड क्वेश्चन, क्या था आपका? जी, सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या जो संविधान में जो मूल सवाल था जिस वजह से युद्ध शुरू हुआ। जी देखिए, जहां तक संविधान का है, जो अगर रूस जो कल बात कर रहा है तो वो पूरी गारंटीज लेंगे। वो ये नहीं है कि जेलेंस्की के बाद अगला वो राष्ट्रपति आए और उसको बदलाव कर दे। वो परमानेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव चाहेंगे कि किसी भी हालत में जो यूक्रेन है वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा और विदेशी हथियारों को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। वो परमानेंट गारंटीज मांगेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के थ्रू। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी खबर और दे दूं, गौरव ने लगभग पूरा कवर कर दिया है, लेकिन एक खबर आपको दे दूं मैं खार्किव के बारे में कि खार्किव में एक बहुत अजीब सी रिपोर्ट आई है कि बहुत सी ट्रेनें निकल रही हैं, ट्रेनें खचाखच भरी हैं, लेकिन बहुत सी फैमिलीज अपने पेट्स के साथ आ रही थी, कुत्ते और बिल्ली जो पालते हैं साथ में उनके साथ आ रही थी और उनको ट्रेन पे अलाउ नहीं किया गया। और इस वक्त खार्किव स्टेशन पे हजारों कुत्ते और बिल्ली छोड़ दिए गए हैं और वो उनको पता नहीं क्या करना है। एक अपने आप में ये भी एक त्रासदी है जो लोगों तक पहुंच रही है।